फ्रेंड फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग। आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हमको आपको पढ़ाने वाले हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आज 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से डिविजिबल होने वाली संख्या। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब हिंदी वालों के लिए विभाज्यता की जांच। विभाज्यता की जांच, कौन संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी और वगैरह वगैरह 11 से कटेगी, तो हम आपको बताएंगे ये सब। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 2। 2 से विभाज्यता की जांच। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पे, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा 10, 20, 8, 28, 64। देखिए इन सभी के इकाई स्थान पर 0 है, 8 है, 4 है, इनका मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर। 3 से विभाज्यता की जांच। चलिए तो 3 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में पहले ले लेते हैं 5, 4, 3, 2, 5432। तो इससे हमें टेस्ट करना है कि यह 3 से विभाजित है कि नहीं। तो हम अंकों को जोड़ेंगे, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2, तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14। तो 14 3 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। यदि हम इसी के स्थान पर 2 के स्थान पे 3 कर दें तो इनको जोड़ेंगे तो 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 3, यानी 5, 4, 12, 3, 15, 3, 5, 4, 9, 3, 12, 3, 15। तो 15 3 से विभाजित है तो यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आप समझ गए कि किसी भी संख्या को 3 से डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट करने के लिए उन सभी के अंकों को, उस संख्या के सभी के अंकों को जोड़ेंगे, यदि वह 3 से विभाजित होगी तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या के इकाई अंक तथा दहाई अंक या लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4, 5, 6, 4। तो इसके इकाई दहाई अंक देखना है या लास्ट 2 डिजिट देखना है, तो लास्ट 2 डिजिट को हम देखते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट 64 है, तो जान 64 को देख लेते हैं, तो 16 चूका 64, यानी 4 के पहरा में 64 है 16 बार में। तो यह पूरी संख्या
चार से डिविजिबल हो जाएगी। कुछ और अंक ले लेते हैं जैसे 1000। हाँ एक बात और लास्ट लास्ट दो डिजिट, लास्ट दो डिजिट 00 हो, लास्ट दो डिजिट 00 हो तो भी संख्या चार से डिविजिबल होती है। जैसे मैं 1000, तो यह संख्या लास्ट दो डिजिट 0 है तो यह संख्या दो से डिविजिबल होगी। 5 4 6 3 4 4, यह भी संख्या चार से डिविजिबल होगी बिकॉज लास्ट दो डिजिट चार से डिविजिबल है। 5 से विभाज्यता के नियम, तो 5 से कटने के लिए संख्या को क्या क्या होना चाहिए? तो यदि किसी संख्या के, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर या लास्ट डिजिट 0 हो या तो 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल में लेते हैं 5043205। तो यह 5 से डिविजिबल कि नहीं जानने के लिए इसके सिर्फ लास्ट डिजिट देखेंगे। तो लास्ट डिजिट इसका क्या है? 5 है। तो लास्ट डिजिट 5 हो तो मैंने आपको बताया है अभी कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम डिजिट 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो यह संख्या के लास्ट में क्या है? 5 है। तो यह संख्या 5 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। जैसे मैं 5 4 5 6 0, इसके यह भी 5 से पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? 0 है। 6 से विभाज्यता के नियम, तो यदि कोई, अच्छा एक बात और, पहले हम आपको, तो आपको हम बताए हैं कि 2 और 3 का तो हमको सिखा ही दिए हैं, तो 2 और 3 का इसमें बहुत काम आने वाला है। तो 2 और 3 के तो आप जान ही चुके हैं, तो 6 से डिविजिबिलिटी रूल में कुछ नहीं करना है। तो आप जान चुके हैं कि 6 से डिविजिबिलिटी के रूल 2 से 2 और 3 से जान चुके हैं। तो 6 से डिविजिबिलिटी के रूल, यदि कोई संख्या 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि 6 से विभाजित होने के लिए कोई भी संख्या को 2 से विभाजित होनी होगी और 3 से विभाजित। परिभाषा के तौर पर आपको बता देते हैं कि यदि कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता देते हैं, जैसे 5 4 3 6 4 3 तो ले लीजिए और 2। चलिए इसको हम देखते हैं कि यह 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो पहले 2 से डिविजिबिलिटी के रूल चेक करते हैं। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे कितना है? इकाई डिजिट 2 है, यूनिट डिजिट 2 है। तो यह तो 2 से डिविजिबल हो चुका है, यह 2 से डिविजिबल हो चुका है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित हो चुका है। अब 3 से देखना है, यदि यह संख्या 3 से अगर कट जाती है तो यह संख्या 6 से भी पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए हम पूरे अंकों को जोड़ेंगे, 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 6 जोड़ 4 जोड़ 2, यानी 5 4 9 3 12 12 6 18 18 18 4 22 2 24। तो देखिए 3 से भी यह डिविजिबल हो चुका है, 24 3 से भी डिविजिबल हो, यानी यह पूरी संख्या जो होगी 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल होगी। इस प्रकार आप किसी भी संख्या को जांच कर सकते हैं कि वह 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए 7 से विभाज्यता के नियम आपको बताते हैं। 7 से विभाज्यता के नियम आपको बताएंगे। चलिए तो किसी भी संख्या को देखना है हमको कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 7 से डिविजिबल के लिए, जैसे कोई भी संख्या मान लीजिए जो 7 से डिविजिबल है, उसका चेक करना है कि हमें 7 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे देखिए 343 जो कि 7 से डिविजिबल, इसको चेक करने के लिए हम अंतिम के संख्या को, अंतिम लास्ट यूनिट डिजिट को, यूनिट डिजिट को 2 से गुना करते हैं और रिमेनिंग पार्ट, ये वाला है रिमेनिंग पार्ट, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला रिमेनिंग पार्ट में से इसको घटाते हैं। तो पहले यूनिट डिजिट को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 6, और रिमेनिंग पार्ट कितना है इसका? 34। तो 34 को 6 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 28, जो कि 7 से डिविजिबल है। तो चलिए आपके तसल्ली के लिए 2-3 और एग्जांपल ले लेते हैं। ले लीजिए जैसे 105 जो कि डिविजिबल है 7 से, तो इसके अनुसार देखते हैं तो कितना होगा? 5 दुनी
दस और रिमेनिंग पार्ट कितना है दस, तो कितना आ गया जीरो। तो जीरो सात से डिविजिबल है, तो यह पूरी संख्या सात से डिविजिबल होगी। जैसे बड़ी कोई संख्या लेते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा कि बड़ी संख्या पर यह काम नहीं करे, तो ले ले रहे हैं बड़ी संख्या, जैसे हम ले ले रहे हैं 347, 347 देख रहे हैं कि यह संख्या सात से डिविजिबल है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट इसका कितना है सेवन, तो सेवन को कितना गुना करेंगे, सेवन में टू से गुना करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में से घटाएंगे। ऐसा हम तब तक करते रहेंगे जब तक आपको न आपको पता ना चल जाए कि सात से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे हम देखिए इस बड़ी वाली संख्या का करके बताते हैं आपको, तो सात दुना चौदह और रिमेनिंग पार्ट ये वाला बच गया, तो इसमें से घटा इतना में से घटा लेंगे, यानी चौंतीस सात तीन चार में से चौदह घटा लेंगे, तो जीरो तीन में से गया दो और सात तीन चार। अब देखिए, तो देखिए लास्ट डिजिट इसका दो है, तो दो में जो गुना करेंगे लास्ट डिजिट को कितना होगा, तो जीरो, तो रिमेनिंग पार्ट इतना है, इसमें से जीरो घटा लेंगे तो कितना आएगा चौंतीस बहत्तर। फिर इसका लास्ट डिजिट कितना है दो, इसमें फिर दो से गुना करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में से घटा लेंगे तो कितना होगा चार, तो 343। ऊपर आपको हम बताया भी थे कि 343 कितना से डिविजिबल है सात से। आपकी तसल्ली के लिए फिर से इसको यूनिट डिजिट को दो से गुना करते हैं तो कितना होगा छः, चौदह में छोड़ गया 28। आपको पता है कि 28 सात से डिविजिबल है, इतना सिंपल। आठ से विभाजिता की जाँच, तो आठ से विभाजिता की जाँच के लिए हम आपको बता दें कि किसी भी यदि किसी संख्या का लास्ट तीन डिजिट आठ से विभाजित हो तो वह संख्या आठ से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है लास्ट थ्री डिजिट से। तो देखिए लास्ट थ्री डिजिट इसका कितना है 864, तो 864 आठ से तो डिविजिबल है। जब 864 आठ से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या जो होगी, ये जो पूरी संख्या होगी यह भी आठ से डिविजिबल होगी। कोई संख्या ले लेते हैं जो आपको पता हो, जो डिविजिबल ना हो, जैसे मैं ले लेते हैं सात चार तीन छः पाँच चार दो। तो देखते हैं अगर 542 आठ से डिविजिबल होगी तो ये टोटल संख्या जो है आठ से डिविजिबल होगी। तो हम आठ से डिविजिबल के लिए सिर्फ 542 को चेक कर लेते हैं, तो आठ छक 48 लगेंगे, 14 में से आठ गया 6 2, और ये नहीं, ये डिविजिबल नहीं है, 542 डिविजिबल नहीं है। आपके तसल्ली के लिए हमें कर दिए हैं ये डिविजिबल नहीं है, तो यह पूरी जो संख्या है 74 36 542 यह आठ से डिविजिबल नहीं है। तो आते हैं नौ से विभाजिता की जांच पे। तो नौ से विभाजिता के नियम है, जिस प्रकार तीन का होता है उसी प्रकार नौ का भी होता है। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग नौ से विभाजित हो तो वह संख्या नौ से विभाजित होगी। बहुत सिंपल है, विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, जैसे तीन का करते थे उस प्रकार नौ का भी करें, जैसे पाँच चार छः चार दो चार, इसको पता करना है कि नौ से कटेगा या नहीं, तो इसको जोड़ते हैं पाँच चार नौ, छः चार दस, दो बारह, बारह चार सोलह, तो सोलह नौ कितना हो गया पच्चीस, तो यह नौ से डिविजिबल नहीं है। कोई दूसरा ले लेते हैं अंक, तो ये देखिए ये नौ से डिविजिबल है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आपको तो पता है कितना तक हम किए हैं, तो यह 25 आया है और इसमें दो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो आपको पता है कि 27 नौ से डिविजिबल है। अगर 27 नौ से डिविजिबल है तो यह पूरी संख्या का जोड़ 27 आया है, तो 27 है तो यह भी जो संख्या होगी वह नौ से डिविजिबल होगी। तो आते हैं 10 के डिविजिबिलिटी रूल पे। तो 10 का तो सबसे आसान है, जितना आसान इसके जैसा कोई नहीं है। तो 10 डिविजिबिलिटी के रूल, यदि किसी संख्या के
आप समझ ही चुके होंगे इतना क्या लिखना, बार बार तो यही लिख रहे हैं। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो हो तो वह संख्या 10 से डिविजिबल होगी, यानी पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए, जैसे मैं 170, 80, 1540, 5420, ये सभी के लास्ट में यूनिट डिजिट कितना है, जीरो, तो यह भी संख्या 10 से विभाजित होगी। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से बनाते हैं ये वीडियो। 11 से विभाजकता के नियम, तो 11 से विभाजकता के नियम आपको बताने से पहले देखिए, सम संख्या तो जानते ही होंगे आप लोग, जो दो से पूरी विभाजित होती है उसको सम संख्या बोला जाता है, और विषम संख्या बोला जाता है जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो। इसको बताना जरूरी था इसको करने से पहले। तो देखिए जानते हैं कि यह कोई संख्या हम लिख रहे हैं, जानते हैं कि 11 से डिविजिबल कैसे है, कैसे होता है। तो देखिए, कोई संख्या लिख रहे हैं पहले, तो देखिए ये संख्या हमको पता करना है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए हम पहले अल्टरनेट प्लेस पे, मतलब एक को छोड़कर एक, जैसे मैं इसको छोड़ के इसको और यहाँ पे कोई संख्या रहता है तो उसको लेते हैं, यहाँ पे कोई नहीं है तो नहीं लेंगे, और इधर से इसको और इसको, यानी मेरा कहने का मतलब है विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के, जैसे देखिए ये सभी है सम स्थान पे है, ये दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे और छठे स्थान पे, ये 6 अंक है, ये स्थान नहीं है, 6 अंक है, लेकिन ये छठे स्थान पे है, मतलब अनफॉर्चुनेटली आ गया है ये 6, और ये देखिए ये विषम स्थान पे है, 1, 6, 3 विषम स्थान पे है। तो डिबिलिटी रूल में अल्टरनेट छोड़ छोड़ के इन सबको जोड़ते हैं, जैसे देखिए ये विषम स्थान पे सम स्थान वाले, पहले विषम स्थान वालों को जोड़ते हैं, तो 5 + 6 + 3, 6 × 5 = 11, 3 = 14, और विषम स्थान सम स्थान वालों को अब जोड़ते हैं, तो 4 × 4 = 8, 8 × 6 = 14, 6 × 5 = 11, 6 × 5 = 11, 3 = 14, और 4 × 4 = 8, 8 × 6 = 14, विषम स्थानों वालों को 4 × 4 = 8, 6 = 14। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस 14 14, सम स्थानों का अंकों का योग 14 और विषम स्थान के अंकों का योग 14। तो इन दोनों का अंतर मतलब किसका अंतर, सम स्थानों के अंकों का योग घटाओ विषम स्थान के अंकों का योग। यदि 0 आता है तथा 11 से विभाजित होने वाली, 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है, 0 या 11 से विभाजित होने वाली संख्या आती है तो यह संख्या 0 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ पे हम सम स्थानों का अंक कितना आया है 14, और विषम स्थानों का अंक आया है 14, और सम स्थानों का अंक दोनों का 14 ही आया है, तो दोनों का अंतर कितना होगा 14, तो आ गया 0। तो अभी आपको हम बताए हैं कि अंतर करेंगे, यदि 0 आएगा या 11 से कटने वाली विभाजित होने वाली संख्या आएगी तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। हम आपको कुछ क्वेश्चन ताकि आप बना के बताएं कि कौन संख्या कितने से विभाजित है, कौन संख्या किससे नहीं। तो देखिए हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है, लिखना है, जैसे 5 × 4 = 5 है, किस किस से विभाजित है, 2 से नहीं है, 5 × 4 = 9, 5 = 14, ऐसे ही आपको लिखना है कि कौन सा है, 1 से विभाजित है, 2 से है, 3 से नहीं, 4 से है, 5 से, 6 से, इस प्रकार आपको लिखना है। तो क्वेश्चन कुछ दे दे रहे हैं, और ये है लास्ट क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि कौन कौन से विभाजित, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं आपको, जैसे हमने 20 ही ले लिया, 20 नहीं,
75 ही ले लिया, तो इसको लिखना है ये 2 से विभाजित है तो नहीं, तो लिख देंगे कि ये 2 से विभाजित नहीं है। और 3 से है, 7 5 12 तो 3 से है, तो 3 से लिख देंगे कि है। 4 से देखेंगे तो लास्ट 2 जी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल हुआ कि नहीं, तो देखिए यूनिट डिजिट 5 है तो ये 5 से डिविजिबल होगा। 6 से देखेंगे तो 6 से 2 से कटना चाहिए, यानी 3 से 2 से डिविजिबल नहीं है तो यह 2 से डिविजिबल नहीं है तो यह 6 से भी डिविजिबल नहीं ये होगा। और आते हैं 7 पे, तो 5 दुना 10 और 7 में 10 घटाएंगे तो -3, तो यह भी 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 8 से आते हैं तो लास्ट 3 डिजिट बताए थे और 2 अंक रहेगा तो आप जान ही लीजिएगा। 9 से आते हैं तो 7 5 12 तो यह 9 से डिविजिबल भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट स्थान पर कितना है 5 है। और 11 से करने के लिए तो आपको ऐसा ही पता है कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सभी क्वेश्चन को बनाइएगा आप लोग, देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो तो फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, दोबारा में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। कमेंट में इसका आंसर बताएं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब किए, और ये भी बताएं कि आपको ये कैसा लगा वीडियो।